नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आए हैं, तो आपको इस वीडियो में दीर्घ उत्तरी देंगे। केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, दो नंबर वाले और तीन नंबर वाले या चार नंबर वाले क्वेश्चन को हमने दे दिया है, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये वीडियोज। और प्लेलिस्ट में जाकर आप इंटर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हाई स्कूल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मोबाइल और कंप्यूटर से भी टेक्निकल वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपको, हर तरह की वीडियो मिलने हैं। तो आज आपको हम दीर्घ उत्तरी देंगे जो आपका पाँच नंबर से छः नंबर तक हो सकता है, यानी पाँच नंबर तक हो सकता है। तो इन क्वेश्चन को आपको रेडी करना, अगर आप अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देख ले सकते हैं। टोटल कलेक्शन आपका 60 क्वेश्चन का कलेक्शन है, अगर 60 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में आराम से आप मार्क्स कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रश्न है वो चलिए दिखाते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को वहाँ पर नीचे पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहेगी, वहाँ पर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेक्नो प्लस स्टडी चैनल मेरा नाम है और मैं संतोष कुमार, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो हमारा जैसा कि ये है, आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो इसमें है आपका दीर्घ उत्तरी जो 4 से 5 अंक का हो सकता है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए ये वेगस्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए, ये सन्निहित पदों को समझाइए, सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धकाल अभिकारकों के प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर करता है नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अथवा आपको ये करना है 5 नंबर हो सकता है, नहीं तो अथवा में आपको ये कर सकते हैं। जो ये प्रश्न है कि एक समान अभिक्रिया ए बी के लिए एक संतत समय के मध्य आलेख चित्र दिया गया है, इस ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दें। तो इसमें ग्राफ आपका होगा, ग्राफ अभी हम इसमें दिए नहीं, तो ग्राफ आपका इस तरह का होगा, तो ग्राफ दिया रहेगा। तो ग्राफ को अभिक्रिया की कोण क्या है, वक्र का ढाल क्या है और वेगस्थिरांक क्या है, हमने इसमें वो ग्राफ जो होता है भूल गए हैं, ग्राफ नहीं इंक्लूड किए हैं, तो ग्राफ उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ग्राफ आएगा तो आपको एक क्वेश्चन, तो अथवा में आप करके कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपका खा नंबर ये है, जैसा कि आपका अंतराहलोजन युग का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, अंतराहलोजन जो होते हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है, और इसमें का पहला हो गया। दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट का संग्रह सीएल की अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, ये है। तीसरा है रेडार की खोज किसने की, जिसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। उसके बाद अगला है उन कुछ विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। अगला है वो वायुवान में कौन सी गैस मतलब अक्री गैस होती है, भरी जाती है, कौन सी गैस होती है, उस गैस का नाम बताना है। अथवा में अगर आप ये सारे 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो हमें ये कर सकते हैं, सल्फर के किन 5 आक्सी अम्लों के आक्सीकरण संख्या संकरण और संरचना बताना है। 5 नंबर का ये रहेगा, आपको डिटेल में देना है, विस्तृत तरीके उसको लागर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 2 में आपको इंक्लूड किए हैं का नंबर है, पुराने मकान की, इसमें पहला है का नंबर में आपका, पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे और दुबले हो जाते हैं, क्यों, कारण बताना है, क्यों मोटे हो जाते हैं, क्या कारण है, कारण को स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर दूसरा है आकृष्टि ठोस को परिभाषित किए गए के 2 उदाहरण दीजिए। अगला है आपका 1 ग्राम द्रव्यमान के एलसीएल के घनी आदर्श क्रिस्टल में कितने इकाई सेल उपस्थित होते हैं, जो कि एनए का मान आपका प्रमाण क्रमांक और सीएल का सारी चीज़ें का प्रमाण भार आपका दे दिया गया है, तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर 35.5 होना चाहिए, 355 लिखे हुए, भूल से ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका अथवा अगर ये नहीं करते हैं तो हम आप ये कर सकते हैं, जैसे कि है पहला इसमें का अणु संख्या और गुणों द्वारा मापन करने के कुछ विलेय के मोलर द्रव्यमान असमान के ऊपर प्राप्त होते हैं, वान थाउजेंडक के आधार पर इसकी व्याख्या करना है, ये है। और ये आपका न्यूमेरिकल से, इसमें से न्यूमेरिकल को अपहर करना है कि एक यौगिक के 4 × 18 ग्राम को इतने ग्राम जल, यानी 240 ग्राम जल घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलेय का क्वथनांक इतना सेंटीग्रेड है, तो यौगिक भार की गणना कीजिए, जबकि ग्राम 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक जो है के बराबर आपको दिया गया है। सारी चीज़ देखिए तो ये न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल आप ध्यान दे दिए, न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा नहीं आते, फिर भी आपको मार्क्स कर सकते हैं, ये आपका 3 नंबर में आ सकता है। तो 5 नंबर में यानी लैंग्वेज टाइम में क्वेश्चन में आना है। खा नंबर अगर आप उसको नहीं करते तो खा नंबर में देखते हैं, खा नंबर में कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अथवा करके दिया गया है। पहला इसमें खा नंबर में 2 हैं आपका, फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट में है कुछ प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर एस्टर का निर्माण होता है, क्यों होता है, एस्टर की क्रिया लिखिए, ये है दूसरा। उसमें अथवा में आपका 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं, तो
कुछ है इनके रासायनिक समीकरण देना है एसीटोन के निर्माण के लिए, जैसे कि द्वितीयक एल्कोहल से रासायनिक समीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, या स्टीफन अभिक्रिया को समीकरण लिखिए। इसमें से आपका दो है, जो इसमें का है एसीटोन वाला, ये दो है, ये दो हैं। और उसके बाद आपका यह है जब साइक्लोहेक्सेन कार्बोनडिहाइड और निम्न की सक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद होगा, कौन सा बनने वाला उत्पाद होगा, इन सबको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं केवल, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा तो आपको बोर हो जाएंगे इसलिए हम सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सभी वीडियो में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है निम्न क्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी जो होता है संक्षिप्त लिखना होता है। इसमें आपको देख लीजिए रोजर मुंड अभिक्रिया, होनसोरी डीगर अभिक्रिया, और सन मेयर अभिक्रिया, और गॉटर मॉन कोच अभिक्रिया, वुड फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया अगर आपको पाँचों लिखते हैं तो एक नंबर में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप अगर इसको नहीं करते हैं तो अथवा में आपका ये है कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाने की विधि हम रासायनिक समीकरण देते हुए बेंजीन डाई एजोनियम लवण से निम्न को बनाने के लिए रासायनिक समीकरण देते हैं, जैसे कि फिनॉल और एनिलीन और हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन, ये किए हैं। उसके बाद आपका अगला है खा नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुनाद संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें का दो नंबर है, न्यूमेरिकल से थोड़ा बड़ा है। इसके बाद आपका अथवा में है, हम इसको न्यूमेरिकल से नहीं पढ़ेंगे, टाइम लग जाएगा इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। निम्नलिखित में विभेद करना है, विभेद आपको अंतर बताना है, जैसे मिथिल तथा एल्कोहल में, एसीटोन तथा एसिटाल्डिहाइड में, और फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में, इसमें आपको विभेद करना है। लीवरमैन नाइट्रोसो परीक्षण क्या है, संबंधित आपके अभिक्रिया देना है रासायनिक, तो ये भी पाँच नंबर आपको मिलता है। टोटल मिलाकर चार क्वेश्चन आपका है। ये ग्रिगॉर्ड जो होता है कर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक होता है, ग्रिगॉर्ड वाला आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। अवक्रिया को पूर्ण करने में आपको कोई भी अवक्रिया पूर्ण करने के लिए आ सकती है, तो हम कुछ अवक्रिया ले लिए हैं, जैसे दो तीन अवक्रिया है, तो इनको आपको पूर्ण करना है, ये आप कर सकते हैं। अगर ये अवक्रिया पूर्ण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा में आपको कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, जैसे इस न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कि निम्न विभेद करना है, फार्मिकॉल एस्टिक अम्ल में विभेद करना है, अंतर बताना है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो आगे दिखाते हैं। खा नंबर है डेटॉल में पूर्ति ओ सॉरी प्रतिरोधक प्रतिरोधी जो गुरु किस रसायन के कारण होता है, इसको बताना है। एस्प्रिन औसत हृदयाघात से बचाती है, स्पष्ट करना है, नहीं तो हम नहीं करते हैं तो अथवा में ये कर सकते हैं कि एस्प्रिन एक दर्द में आराम देने वाली जरोधी औषधि है, किंतु दिल के दौरे का साथ हृदयाघात रोकने में उपयोगी की जा सकती है, समझाना बताना है। और अगला क्वेश्चन है साबुन के निर्माण शोधन या क्रिया में से सिद्धांत के अंदर चित्र की सहायता बताना है, इसमें आपको फिगर बनाना है और आपको इसमें सिद्धांत भी बताना है। अगर आप ये करते हैं ठीक, नहीं तो अथवा में आपको ये सब कर सकते हैं, जैसे कि निम्न घनत्व वाली थी LDPE किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखना है, और निम्नलिखित बहुलक को बनाने वाले एकलकों के नाम, इसमें आपको एकलक बताना है, कौन कौन से एकलक, फिगर आपको दिखाया गया है समीकरण आपका, इसमें से एकलक बताना है। पांच नंबर आपका है क्वेश्चन, तो इसमें से आपके का खा है, तो का नंबर है फिनाइल की अम्लीयता एल्कोहलों से अधिक क्यों होती है, और खा नंबर और दूसरा नंबर है फिनाइल से विपरीत अम्ल किस प्रकार बनते हैं, ये है। उसके बाद आपका तीन नंबर है फिनाइल एक परीक्षण योग लिखिए इसके बारे में, अथवा अगर आप करते हैं ठीक है, नहीं तो अथवा में आपका क्या होता है जब में जो होता है क्या होता है जब में, तो आपकी इतनी चीज़ें फिनॉल पेम्ब्रिन जल से क्रिया करता है तो फिनॉल की जेडन से क्रिया होती है तब, और बेंजीन बेंजोइकम से क्रिया करता है तब, यानी लिखे तो टिप्पणी आपका गया फिर से, जैसे राइमर टीमन अपक्रिया जो कोलबे अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया जो होती हैं ये चीज़। अब अथवा में आपको ये करना है कारण स्पष्ट करना है कि ईथर को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ईथर को अश्लीलता एल्कोहल से अधिक क्यों होती है, और फिनाइल ओपी निर्देशक क्यों है, ये सब बताना है। ये पांच नंबर के, तो छह नंबर में आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि का खाज में रहेंगे, तो का नंबर में फर्स्ट है डाउ प्रक्रम क्या है, संबंधित समीकरण बताना है, और फिनाइल द्वारा फिनाइथिलीन निर्माण से संबंधित रासायनिक क्रिया लिखिए ये बताना है। उसके बाद आपका इसमें तीसरा है कि स्प्रिंग क्या है, इस निर्माण संबंधित रासायनिक विज्ञा समीकरण, स्प्रिंग आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग कई बार आया हुआ है, स्प्रिंग आपको ध्यान रखना है। अगला है फिनॉक्साइड आयन को स्थापित फिनॉल से अधिक क्यों होता है, ये बताना है। और टिप्पणी आ गया, अथवा अगर उन्हें कहते टिप्पणियाँ कर सकते हैं, जैसे कि बेंजोइलीकरण, हाइड्रोजनीकरण और एल्डोल संघनन, कैंजरोक्रिया और सिभक्रम, एल्डोल संघनन और हाइड्रोजनीकरण और कैंजरोक्रिया ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं तो खा नंबर इसमें है आपका ये XCFO2, XCFO4 और XCFO के निर्माण की विधियाँ को लिखना है, जेनान जो होता है हाइड्रोजन की, तो XCFO4 तथा XCFO2 के जल अपघटन संबंधित रासायनिक अभिक्रिया देना है, हाइड्रोजन ग्रुप के हैं सब, तो अथवा
नहीं कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, सामग्री रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्लोरीन के व्यंजक योग का वर्णन कीजिए। तो इतने क्वेश्चन थे आपको, अगर इतने क्वेश्चन में से आप याद करते हैं तो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, पक्का फंसना है। आपको बस विश्वास रखना है और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को भी जाके देख लेना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगी, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आपको जाके उस अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और उनको उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह मोबाइल और टेक्निकल सभी वीडियोज भी मिलती रहेगी। मोबाइल और कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसमें सॉल्व बता देंगे। जल्द ही एक वीडियो मोबाइल की हम डालने वाले हैं, कैसे व्यापार भी लाभ वगैरह होता है उसको भी डालेंगे। और साथ ही साथ आपको हाई स्कूल की सारी वीडियोज, आपकी हिंदी की वीडियो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो हिंदी की भी मिलेगी और उसके बाद फिजिक्स भी मिलेगी। तो आप कम प्ले लिस्ट को चेक करते रहिए, हमेशा प्ले लिस्ट जाकर चेक करिए, प्ले लिस्ट यहाँ पर है आपकी, ये प्ले लिस्ट चेक कर लेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसा करते हैं, वीडियो लगा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और फिर से एक बार देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट जरूर करिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए संतोष कुमार पटेल को दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।